जो भी अगर अनऑथराइज्ड कोई चीज़ है, कोई पोस्टर बैनर है, तो उन पे भी कार्रवाई करिए, हटाए भी और आगे कार्रवाई भी। आचार संहिता के खिलाफ उल्लंघना करने में कई मामले सामने आते हैं, जो जैसे अगर मैं बताना चाहूँ कि हमारे सी विजिल पे करीब 2300 के करीब कंप्लेन फरीदाबाद ज़िले में आई है, तो उसमें जो हमारा प्रतिशत है लगभग 75 से 80%, हमने टाइमली जो एक्यूरेसी हमारी रहती है कि 100 मिनट के अंदर हमें करनी होती है, तो 100 मिनट के अंदर इतनी परसेंटेज हमने रिजोल्व करी है। वेबकास्टिंग हमारे 100% सभी बूथ्स पे रहेगी, हमारे कंट्रोल रूम में हम मॉनिटर करेंगे उसको, अगर कोई भी वॉयलेशन हमें देखने को मिलती है चाहे यहाँ से, तो उसमें टाइमली एक्शन, तभी की तभी जो हमारी टीम्स हैं कार्यरत हैं फील्ड में, वो तभी की तभी एक्शन लेंगे वहाँ पे। डीसी साहब, बीते दिन एग्जाम बड़ा में जो है एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा जो है एक स्वागत समारोह नेता का किया गया, उसमें नेता के पैर छूकर उसने आशीर्वाद दिया, माला डाली, क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई बनती है? किसने? ग्राम धरोड़ा विधानसभा क्षेत्र तिगांव, तिगांव धरोड़ा में एक सरकारी कर्मचारी ने जो की एक्साइज, आपको डिटेल्स दे दीजिए, वो कार्रवाई करवा ली सर। जो बहुमंजिला सोसाइटी है, क्या वहाँ हमारे पास में रैशनलाइजेशन के दौरान जो भी डिमांड आई है वहाँ पे हमने बूथ एडिशनल करे हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब की बार हमने 103 ऑक्सिलरी पूल, ऑक्सिलरी बूथ बनाए हैं जो पूरे फरीदाबाद ज़िले में है, ताकि कहीं पर भीड़ ना हो और लोग आसानी से अपनी वोट डाल के वापस निकल। आचार संहिता की उल्लंघना करने के आरोप में भी क्या किसी के खिलाफ मामला दर्ज हुए सर? तो इसमें आचार संहिता के खिलाफ उल्लंघना करने में कई मामले सामने आते हैं, जो जैसे अगर मैं बताना चाहूँ कि हमारे सी विजिल पे करीब 2300 के करीब कंप्लेन फरीदाबाद ज़िले में आई है, तो उसमें जो हमारा प्रतिशत है लगभग 75 से 80%, हमने टाइमली जो एक्यूरेसी हमारी रहती है कि 100 मिनट के अंदर हमें करनी होती है, तो 100 मिनट के अंदर इतनी परसेंटेज हमने रिजोल्व करी है, और साथ ही जो भी कंप्लेन बाकी भी आती हैं टाइमली हमारा वो रहता है कि उसको रिजोल्व करें और टाइमली एक्शन लें। अभी भी पूरे शहर में अगर आप निकलिए तो नीलम बाटा चौक देख लीजिए या किसी भी कहीं देख, जितने भी यूनिट को जो हमको लगता है प्रशासन ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, जो विशेष चिन्हित किया वहाँ तो लगे हैं, इसके बावजूद विभिन्न राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर अभी भी लगे हैं, क्या माइक्रो ऑब्जर्वर की कोई शुरू कर रहे हैं कुछ? इसमें बिल्कुल ही कार्रवाई जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो लगे हैं, शहरी इलाके में एडिशनल कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ग्रामीण इलाके में DDPO लगे हैं, तो उनने जो भी अगर अनऑथराइज्ड कोई चीज़ है, कोई पोस्टर बैनर है, तो उन पे भी कार्रवाई करिए, हटाए भी और आगे कार्रवाई भी। एक तो पूरे हरियाणा में कई पोलिंग स्टेशन ऐसे करीब 100 के करीब जिसमें महिला जो कर्मचारी हैं वही उनको संभालेंगे, वोटिंग वही करेंगे, क्या फरीदाबाद में कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन है? दूसरा सवाल ये है कि कई जगह वोट का बहिष्कार किया गया है फरीदाबाद में, उनको क्या मना लिया गया है या अभी भी उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया, क्योंकि सीट के तहत आपने कई एक्टिविटी भी की? तो पहला कि हमारे हर एक विधानसभा वाइज, विधान असेंबली सेगमेंट वाइज एक एक पिंक बूथ हमने बनाया, तो उसमें महिला कर्मचारी कार्यरत रहेंगे उस दिन। साथ ही जो दूसरा आपका सवाल था कि कई जगह बॉयकॉट की इन्फॉर्मेशन आई थी, तो एक आध लोकल इश्यूज थे तो हमने कंसर्न एजेंसी को कह दिया वो इश्यूज दूर करने के लिए, तो एक आध की इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है कि उन्होंने वापस कर लिया है, वो वोट करेंगे। तो हमारी सबसे अपील यही है कि कृपया करके वोट करें, अगर कोई इश्यूज हैं तो वो एजेंसीज, कंसर्न एजेंसीज लगी हुई हैं, कार्यरत हैं, उनको दूर करने के। करने का आरोप है सर, 3 कौन से ऐसे लोकसभा प्रत्याशी जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वो डिटेल्स एक बार आप किस तरह से कितने घंटे में कितनी देरी में वो मिल जाएगा, 10 बजे तक कितनी परसेंटेज हुई, 12 तक कितनी हुई, वो कहां से मिलेगा मीडिया को? वो पोल डैशबोर्ड पे हमारे द्वारा डाला भी जाएगा और मीडिया को भी टाइमली हम दे देंगे इसमें कि हर 2 घंटे वाइज कितनी कितनी वोटिंग। एग्जीक्यूशन और इन्फोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, AI का आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपने कलर किया कि वेबकास्ट आप कर रहे हैं, तो आपने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के लिए विजिलेंस कितना होगा उनके अंदर और बाहर, अगर कहीं से वायलेशन है तो आपका रियल टाइम रिपोर्टिंग कितना होगा 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, वायलेशन देन EGM अगर प्राप्त होती है। तीसरा सीजर आपने कहा कि ओपन हाउजन बढ़ा है, तो शराब का इतना कंजम्पन बढ़ रहा है, इसका बेसिक रीजन क्या पॉइंट अच्छा, इसमें सबसे पहला अगर आपने कहा कि जो हम वेबकास्टिंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो वेबकास्टिंग हमारे 100% सभी बूथ्स पे रहेगी, हमारे कंट्रोल रूम में हम मॉनिटर करेंगे उसको, तो अगर कोई भी वॉयलेशन हमें देखने को मिलती है चाहे यहाँ से, तो उसमें टाइमली एक्शन, तभी की तभी जो हमारी टीम्स हैं कार्यरत हैं फील्ड में, वो तभी की तभी एक्शन लेंगे वहाँ पे। इसके साथ ही ARO के लेवल पे भी मॉनिटरिंग होगी और CEO सर के लेवल पे भी मॉनिटरिंग होगी उसकी। साथ ही दूसरा जो आपने कहा कि
सीजर जो बढ़ा है, तो सीजर हर एक कैटेगरी वाइज है, तो उसमें शराब का 60,000 लीटर है, तो वो मेरे ख्याल एग्जैक्ट मेरे को अभी ध्यान नहीं, शायद 2 गुना हुआ होगा पिछली बारी से। पिछली बारी से सभी चीज़ों में ज़्यादा है, हमारी एनफोर्समेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई भी अगर वॉयलेशन मिल रही है तो उसको हम तभी के तभी कब करें। जी साहब, आपने ईवीएम खराबी की बात कही के तुरंत पहुंचेगी, वो कितना ड्यूरेशन होगा शिकायत मिलने पर, कितनी देर के अंदर पहुंचे? इसमें जैसा कि एक सेक्टर सुपरवाइजर के पास हम ईवीएम दे के रखेंगे रिजर्व वाली, तो सेक्टर सुपरवाइजर के पास में 4 या 5 लोकेशन होंगी, तो 4 या 5 लोकेशन भी ज़्यादा दूर नहीं होंगी, तो जो उनका रीचिंग टाइम भी एक से दूसरे में होगा, तो मैक्सिमम मेरे ख्याल होगा 10-15-20 मिनट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो 20-21 मिनट में सेक्टर सुपरवाइजर वहाँ पे पहुँचेंगे, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है 20-25 मिनट में जितने ड्यूरेशन है तो उसमें पहुँच के तभी की तभी कार्य करके रिप्लेस करेंगे उसको।